नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम विनोद सिंह है और आप देख रहे हैं टेक्निकल किसान मित्र यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं सितंबर अक्टूबर में रोपाई करने वाली दो प्रकार की अच्छी क्वालिटी की मूली। दो अच्छी प्रकार की मूली जो कि बहुत बेस्ट होती है मूली, बहुत लंबे लंबे होती है मूली और वह अच्छा उसका फल होता है। मूली भी चिकना होता है, पालक पत्ता है, जिसके रोपने का समय है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, उसके बाद नहीं रोपा जा सकता है। तो चलिए और कौन सी कंपनी की मूली है और उसका क्या रिजल्ट है और कैसा होता है उसके बारे में हम बताते हैं और कितना दिन पर तैयारी होती है। तो हमारे हाथ में सबसे पहले एग्रो सीड्स का सुरभा मूली है। एग्रो सीड्स सुरभा 32 मूली है जो कि आधा केजी की केन में भी आती है और आधा केजी की पॉकेट भी आते हैं, यानी कि 500 ग्राम के केन और 500 ग्राम के पॉकेट भी आते हैं जो कि एग्रो सीड्स की तरफ से आती है। और यह कंपनी है सोनीपत हरियाणा, यह कंपनी है सोनीपत हरियाणा की। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं ये कितने दिन पर तैयारी होता है और इसका कैसा मूल्य होता है। इसका मूल्य आप देख सकते हैं और यह मूल्य आपको 35 से 40 दिन पर तैयारी हो जाएगी। यह मूली रोपाई करने के बाद 35 से लेकर 40 दिन पर तैयारी हो जाएगी और एक मूली का वजन 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के रहेगा, जिसका साइज होगा 10 से 12 इंच। एक मूली का साइज 10 इंच से 12 इंच होगा, जो कि मूली का साइज होगा केवल आपका 8 इंच। एक मूली का साइज होगा 8 इंच, उसको पत्ता सहित 12 इंच हो जाएगा, 12 से 15 तक भी हो सकता है। तो ज़्यादा घन रुपये इसको 100 ग्राम बीज प्रति 1 कट्ठा में डालकर इसको रोपाई कर दीजिए। अच्छी तरह से मिट्टी की जुताई हो, एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी की जुताई अच्छी तरह से हो। तो अब इसको आप 100 ग्राम पर कट्ठा के हिसाब से बीज को खेत में छींट कर और रोपाई कर दीजिए और यह आपको 35 से 40 दिन पर तैयार हो जाएगा। चलिए अब दूसरी कंपनी के मूली की बात करते हैं जो कि उसका क्या रोपने का तरीका है और वह कितने दिन पर तैयारी होगा और उसका साइज कितना होगा। तो चलिए मेरे हाथ में अजीत सीड्स का मूली देख सकते हैं। अजीत सीड्स का मूली है, ये एवरेस्ट मूली है। अजीत सीड्स का एवरेस्ट मूली है जो कि यह कंपनी महाराष्ट्र इंडिया की है। यह कंपनी महाराष्ट्र इंडिया की है और इसकी आप मूली का साइज देख लीजिए और इसके बारे में आपको बताते हैं पूरी। और यह आपको बता दिए, यह मूली अजीत सीड्स एवरेस्ट मूली के नाम है। अजीत सीड्स कंपनी हो गया और एवरेस्ट मूली के नाम है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। और यह आपको सितंबर से अक्टूबर तक इसको आप रुपाई कर सकते हैं। यह आपको मार्केट में अजीत सीड्स का एवरेस्ट मूली आपको मार्केट में 600 रुपये के जी मिल जाएगा और इसको आप 100 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से रोपाई कर दीजिए। और यह बहुत अच्छी तरह की मूली है, इसको रोपिए, बहुत अच्छा होता है। पालक पत्ता मूली है और यह बहुत मतलब चिकना चिकना इसका मूली होता है, इसको आप रोपिए, ये आपको मार्केट में 600 रुपये के जी मिल जाएगा। और रही बात एग्रो सीड्स का सुरभा 32, एग्रो सीड्स का सुरभा 32 आपको मार्केट में 400 रुपये के जी मिल जाएगा, आसानी से 400 का के जी मिल जाएगा कहीं पर भी। तो आप इसको दोनों को रोपिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की मूली है। चलिए अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय किसान। दो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ में।